हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जा रहे हैं, यानी आज थर्सडे है। एंड सॉरी, कल के वीडियो में मैं बोलना भूल गई थी दैट फ्राइडे आई वॉन्ट बी अपलोडिंग एनी वीडियो। एनी हाउ, ये वीडियो पहुँचते तो इट विल बी मंडे, तो आप सबको तब तक तो पता ही चल गया होगा। तो अभी बजे है सुबह के 7:17 एंड मुझे लगा कि मैं उठ जाती हूँ एंड लेट मी स्टार्ट। लाइक मैं ऐसा काटी रोल थोड़ा बना लेती हूँ, सब कुछ एक साथ में, जैसे कि रैप करते हैं वैसा रैप कर लेती हूँ। एंड देन फिर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी क्या बनाओ, माई हबी वाज सेइंग कि मेक ओटमील क्योंकि वो इजी होता है, पर देखती हूँ वो मैं बाद में करती हूँ। फिर मुझे आइस बॉक्स में आइस वाइस सब रखना है एंड आज का वेदर बहुत अच्छा है, लाइक परफेक्ट फॉर रोड ट्रिप। इट इज़ सनी, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। एंड अभी जस्ट मुझे माइक्रोवेव में थोड़ा वार्म करना है एंड जैसे फिर रैप करते हैं रोल वैसे रैप करके लेके जाएंगे। पर मैंने और बाहर से आइस नहीं खरीदा क्योंकि हम लोगों के फ्रिज में इतना ज्यादा आइस हो चुका है, तो एनी हाउ वी वेयर गोइंग टू थ्रो इट। तो मुझे लगा चलो अच्छा, ये वी कैन यूज इट फॉर आवर आइस बॉक्स। एंड ये आइस बॉक्स एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, सो एवरीथिंग इज रेडी। एंड शायद ये हम लोगों ने CBS से खरीदा था। तो फाइनली फुल पैकिंग ऑफ फूड इज़ डन एंड मैं और एक चीज़ ले रही हूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाओ कहीं पे भी हम लोगों का जो अच्छा चाय है वो नहीं मिलता है। तो एंड कल ऐसा मैंने जस्ट होटल में मैं देख रही थी रूम में क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द होटल्स में ना अभी माइक्रोवेव नहीं रहता है, बट हेयर दे हैव माइक्रोवेव। तो मैंने चाय की पत्ती ले लिया है एंड ये भी ले लिया है, क्योंकि अभी यू नो कॉफ़ी मेकर सभी होटल में है, पर द कॉफ़ी मेकर्स आर डिफरेंट। पहले का कॉफ़ी मेकर बहुत ही ईजी था, उसमें आप चाय भी बना सकते थे, पर अभी कॉफ़ी मेकर टोटली डिफरेंट हो गया, इन दैट यू कैन पुट एनीथिंग। तो माइक्रोवेव है, चलो उसी में चाय बना लेंगे। एंड मेरे हबी ही सॉ सो मेनी थिंग्स दैट ही इज लाइक 7 hours का ही सिर्फ ट्रिप है, होल वीक हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यू नो प्लेट्स एंड ऑल ही जगह ले लेते हैं। एंड सुबह में आई वॉज मेकिंग, तो वो आए एंड ही एट वन, क्योंकि कल रात वो बहुत लेट आए थे, ही केम एट अराउंड 10 o'clock। तो फिर ही डिन सी ऑल्सो ऑल दिस थिंग मैंने क्या बनाया था। यू आर फाइन, ओ गुड। एंड राय का टेम्परेचर भी दिखा देते हैं, That is उल्टा आ रहा है क्या? It's 97. नहीं, I think so. यहाँ पे करेक्ट आएगा, right? 97.2. तो राय is absolutely fine. And शायद राय मुझसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है क्या? Maybe. और बहुत जन आप लोग बोलते रहते हैं पायल राय तुमसे ज़्यादा लंबी है क्या? मेरा हाइट है ही कितना? I am only 4'10". तो इट इज़ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अगर वो मुझसे ज़्यादा लंबी हो। ऐसे भी आई फील सो इन दिस कंट्री एवरी वन इज सो टॉल एंड टॉल ही कोई अच्छा लगता है, ऐसा शॉर्ट में आप सो मेनी थिंग्स यू कांट वेयर। एंड साड़ी भी अगर आप पहनो तो आप देखेंगे शॉर्ट में इतना अच्छा नहीं लगता है। दिस इज़ वन थिंग जो मुझे हर वक्त बहुत ही दुख लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हूँ। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी मैं देखती हूँ सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या निकलते हैं, मतलब क्या खाते हैं। एंड हम लोगों को 9 o'clock हम लोगों ने टाइम रखा है निकलने के लिए, सो होपफुली वी कैन लीव बाय दैट टाइम।
सो वी आर रेडी टू गो एंड 9 o'clock मैंने बोला था पर 9:30 हो गया है. चलो कोई बात नहीं. And here is Rai. Hi. So हम लोग ने start कर दिया है and पहुंचते it will be around 4 से तो मुझे लगता है 4 बजे से तो थोड़ा ज्यादा ही लगेगा. 6-7 हुआ इतना 6-7 नहीं बचेगा क्योंकि 3 घंटा और ज्यादा क्यों लगेगा या मे बी 1 आवर ज्यादा लग सकता है. एंड आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो फिर भी मैं बोल देती हूँ कि हम लोग मामा वेर आर वी गोइंग मामा वेर आर वी गोइंग नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं. नायग्रा फॉल्स क्यों बोल रहे हैं नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं. ये हम लोग पहले पहले भी जा चुके हैं पर दैट टाइम राय वॉज वेरी स्मॉल शायद शी वॉज 3 इयर्स ओल्ड राइट. तब मेरे मम्मी पापा लोग आए थे एंड जो लोग भी इंडिया से आते हैं एवरीबॉडी विल एग्री विद मी लाइक पेरेंट्स लोग आते हैं द फर्स्ट थिंग दे से कि नायग्रा फॉल्स देखना है नायग्रा फॉल्स देखना है. तो फर्स्ट टाइम जब मम्मी पापा लोग आए थे तब वी डिडंट गो क्योंकि दैट टाइम वी आर ऑल्सो लाइक प्रीटी न्यू. फिर सेकेंड टाइम जब वो लोग आए थे दैट टाइम वी वेंट पर तब इट वॉज इन द मंथ ऑफ नवम्बर ऐसा अक्टूबर में था तो बहुत ज़्यादा ठंडा था एंड राय इतनी छोटी थी ना वो बहुत डर गई. तो हम लोग लाइक राय को ज़्यादातर टाइम वी केप्ट हर इन द होटल ओनली एंड ऐसे हम लोग दो जन जाके हम लोग देख के आए. सो दिस टाइम जब हम लोग सोच रहे थे कहीं पे जाए एक्चुअली पहले वी डिडंट थिंक ऑफ गोइंग टू नायग्रा फॉल्स. हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग मेन जाएंगे विच इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस पर देन राय वॉन्टेड टू गो एंड हम लोग को लगा अभी बहुत अच्छा लाइक नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू गो क्योंकि ज़्यादा ठंडा में ना अच्छा नहीं लगता है. सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट एंड मेरी तरफ से सबको एक एक लाइक बिकॉज ऑल सभी ने सही जवाब दिया है. बोलते हैं ना अगर आपको कोई जगह देखना है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ए रोड ट्रिप स्पेशली अगर आप यूएस में रह रहे हैं बिकॉज इन दैट वे यू कैन सी द रियल यूएस. अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुका है एंड जो हर वक्त होता है दैट वी आर स्टक इन ट्रैफिक क्योंकि अभी समर टाइम है तो सभी जगह पे बहुत सारा काम चल रहा है एंड द सीनिक व्यू ऑफ दिस रोड इज सो ब्यूटीफुल पर आई एम ए पुअर यूट्यूबर मेरे पास ड्रोन नहीं है. ड्रोन होता तो मैं आप सबको और भी अच्छी तरीके से दिखा सकती पर हम लोगों ने एक ड्रोन खरीदा था जो वो बोलते हैं ना चाइना का होता वो तो वो बहुत ही सस्ता था एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वो खराब हो गया लाइक उसमें पिक्चर बहुत ही घटिया आता था बट डेफिनेटली अगर बहुत अच्छा पिक्चर चाहिए तो ड्रोन बहुत एक्सपेंसिव खरीदना पड़ता है. सो पुअर यूट्यूबर मैं आपको ऐसा ही दिखाऊंगी देन then also this time it is good at least I am doing like मैं अपने कैमरा से कर रही हूँ नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे भी मैं जाती हूँ आई ऑलवेज टेक माई फोन मैं कैमरा नहीं लेती हूँ क्योंकि DSLR बहुत ज़्यादा हेवी होता है एंड यू नो अगर आप इतना हेवी चीज़ लेके घूमें तो घूमने का ही कोई मज़ा नहीं रहता है. एंड हम लोग का खाना पीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. हाउ वॉज द काठी रोल? एक्सेलेंट बहुत अच्छा लगा अभी का काठी रोल.
गई है एंड दिस माउंटेन इज कॉल्ड कैटस्किल. ये बहुत बड़ा माउंटेन है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. लाइक अभी से अपस्टेट न्यूयॉर्क पूरा स्टार्ट हो गया है तो नाउ द प्लेस इज नॉट सो मच कंजस्टेड लाइक आवर प्लेस. यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल है एंड इट्स लाइक अभी मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक अराउंड 100 माइल सिर्फ हिल तक बना. या उसके बाद जाके इट विल बी अगेन डाउन. तो अभी मे बी विल गो 19 माइल्स जाएंगे एंड अगर देयर इज सम स्पॉट देन वी विल लाइक थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड विल हैव सम ऑफ द थिंग्स. राय तो कुछ खा ही नहीं रही है बिकॉज वायरल जब ख़त्म होता है ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है करता है. सो शी इज स्लीपिंग नाउ. एक रेस्ट एरिया पे एंड देयर आर ए लॉट ऑफ प्लेस लाइक ए पिकनिक स्पॉट जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं. यू कैन डू योर पिकनिक एंड जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस. बहुत खूबसूरत है. सो वही एंड ये लोग ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है. ऐसा तो बाहर भी खाना मिलता है आप खरीद के खा सकते हैं पर मुझे लगता है ऐसा घर से खाना बना के लेके जाओ ना तो मजा कुछ अलग ही है. एंड हम लोगों के पास में और एक इंडियन फैमिली भी था वो लोग भी घर से खाना बना के लाए थे. एंड इतना सुंदर जगह है तो पिक्चर तो बनता ही है. सो फाइनली हम लोगों का खाना पीना इज ओवर एंड अभी भी कुछ काटी रोल है एंड दिस प्लेस इज सो नाइस. एंड अगर आप चाहे लाइक हियर मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव डॉग तो लाइक वो लोग डॉग को वॉक भी करा सकते हैं. अपस्टेट न्यूयॉर्क में बहुत सारे फार्मलैंड है तो अभी तो सीजन है. यू कैन सी ए लॉट ऑफ फार्मलैंड एंड मैं बोलूंगी दिस इज द रियल कंट्री साइड ऑफ यूएसए. घंटा लाइक 1.5 आवर ही बाकी है एंड अभी हम लोग एक सर्विस एरिया पे रुके हैं टू हैव सम कॉफ़ी क्योंकि थोड़ा टायरिंग लगता है. राइट इट्स 6.5 आवर्स का था. फाइनली हम लोगों का दिस वॉज अवर लास्ट स्टॉप एंड अभी वहाँ पे गैस भी है तो ही फेल कि चलो गैस भी भरा लेते हैं एंड अभी हम लोग विल गो एंड स्टॉप इन आवर होटल ओनली. ऐसा भी राय हैज़ जस्ट रिकवर्ड नाउ एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी शाम के नहीं अभी दोपहर के इट्स 3:51 तो अभी सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है. लाइक आई एम एंजॉइंग दिस रोड ट्रिप. वही मैं अपने हबी को बोल रही थी कि मुझे ये ट्रिप सबसे अच्छा लग रहा है नहीं तो यू नो ही इज सो बिजी कि टाइम ही नहीं होता है एंड वो भी थोड़ा टायर्ड है. यस्टरडे नाइट ही केम एट 10 एंड
यू नो काम का बहुत सारा प्रेशर तो सभी लाइक आजकल रहता ही है सबके पास ही. एवरीवन हैज वर्क प्रेशर. देन ऑल्सो आई एम हैप्पी कि मैं घर से ही काम करती हूँ एंड लाइक यू नो वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन वर्क. क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है कि दोनों ही अगर ज़्यादा बिजी रहे तो लाइक इट बिकम्स वेरी हार्ड. तो इसीलिए मैंने कभी भी नहीं सोचा दैट आई विल गो आउटसाइड एंड वर्क. मेनी ऑफ यू ऑलवेज कीप मी सेइंग ऑल्सो कि पायल तुम बाहर क्यों नहीं काम करती हो. क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है कि यू नो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि एक जन कोई अगर काम भी करे तो थोड़ा ईज काम करे तो अच्छा है टू रन द फैमिली. तो आज जाके देखते हैं कहीं निकलते हैं भी या नहीं. कहीं तो अनदर 20 मिनट्स हम लोग पहुँच जाएंगे. एंड वेन वी स्टार्टेड द जर्नी तब मैंने अभी ने बोला था कि 6 तो बजे जाएगा. तब मैं उनका मजाक उड़ा रही थी बट इट इज करेक्ट. वी विल रीच टोटली एट 6 लाइक एट 6 o'clock. क्योंकि रस्ते पे थोड़ा लाइक जैम भी था एंड फिर वी स्टॉप्ड ऑल्सो इन टू ऑफ द प्लेसेस. बट एनी हाउ बहुत ही अच्छा लगा आज का जर्नी. We'll be right back.